जब देवता और असुर में युद्ध हुआ तो देवताओं की हार होने लग गई, तो देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए कि हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु जी ने बोला युद्ध में जाने से पूर्व कि मैं जो है पहले अपने आराध्य देव भगवान शिव का पूजन करता हूँ, तब जाकर जो है मैं युद्ध में जाऊँगा। तो भगवान शिव ने यहाँ पर आकर भगवान विष्णु जी को विष्णु जी ने सहस्त्र कमल से भगवान शिव का पूजन करा। स्थान है जहाँ भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र मिला, जिससे उन्होंने दैत्यों का संहार करा और समाज के संसार की रक्षा करी। इसके अलावा त्रेता में रामचंद्र भगवान भी आए। जब ब्रह्म तय पाप से मुक्त होने के लिए बद्री केदारनाथ यात्रा गए तो पहले यहाँ पर आकर जो है 108 कमल के पुष्प 1 महीने तक शिवार्पण करे, तब जाके ब्रह्म तय पाप से मुक्त हुए। किसी पोषित व्यक्ति को अगर उसके हाथ और पैर वो काट देंगे तो वो नहीं कहीं चल पाए। तो वैसे मठ मंदिरों की जो संपत्ति थी, जमीनें भूमियाँ, ये सब लोगों के नाम में चढ़ा दी गई, जिससे जो है मंदिर जो है एक तरह से पंगु टाइप का हो गया। और आज जो है स्थितियाँ ये है कि कई प्रकार की उससे जो है गुजरना पड़ रहा है मठ मंदिरों को। इसका प्रमाण आप देखते हैं आज यहाँ कमलेश्वर के नहीं, बहुत सारे अन्य उत्तराखंड में मंदिर हैं जिनमें पहले के राजाओं ने गुट गांव दिए थे, जो गांव उसको सुपूज्य रखते थे, लेकिन वो सब जो है अंग्रेजों ने और जो है आज़ादी के बाद की सरकारों ने जो है उन सबको नष्ट कर दिया, जिससे कि मठ मंदिरों की सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की आस्था पर बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया।